नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मेरा नाम दीपक लोहनी है। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं तुम्हें दिल लगी भूली जानी पड़ेगी, इसी खूबसूरत से सॉन्ग को आज की इस वीडियो में। तो सॉन्ग जो है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और उसी के साथ साथ उतना ही ज़्यादा आसान भी है। तो हमें इसमें बस दो ही लाइनें सीखनी है और उसके साथ फिर पूरा का पूरा सॉन्ग उसी की सरगम पर रिपीट होता जाता है और उसी की सरगम पर प्ले हो जाता है। तो इस तरीके से देखा जाए सॉन्ग बहुत ज़्यादा ईजी है। तो शुरुआत होगी मध्य सप्तक के चौथे गाले से, ठीक है, यानी प से, ठीक है। और नोट से नोटेशन वही रहेंगे, स रे ग म प, ठीक है, वही जो एक बेसिक होते हैं, ठीक। अब स्टार्टिंग करते हैं प से। पहली लाइन है तुम्हें दिल लगी भूले जानी पड़ेगी। तो कैसे है मैं प्ले कर देता हूँ उसका, स्लोली स्लोली सीखेंगे। ठीक है, एकदम इजी तरीके से वन फिंगर से स्लोली सीखते हैं। तो देखिए कैसे है। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, ठीक है। अब लाइन थोड़ी सी लंबी हो रही है इसलिए लाइन को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। तो पहले इतना देखिए, तुम्हें दिल लगी भूल, उसके बाद आगे को कंटिन्यू करेंगे। तो कैसे है, तुम्हें दिल लगी भूल, कैसे, सरगम देखिए, प प ध प ध नी ध प म, तुम्हें दिल लगे भूल, ठीक है। बहुत ही प्यारा अंदाज है, देखिए। उसके बाद यहाँ पर हमने माँ पर खत्म किया, उसके बाद आधा से लाइन शुरू होगी, जानी पड़ेगी, ठीक है, जानी पड़ेगी, कैसे है, कैसे, धसनी पमगम गरे। तो लास्ट में ना पहले जानी पड़ेगी, इतना हो गया उसके गरे। लास्ट में यहाँ पर खत्म किया, उसके गरे में लाना, ठीक है, गरे इस तरीके, कैसे, जानी पड़ेगी इस तरीके से, इस तरीके से रे पर लाना है। तो कैसे है, इतना हो गया। अब पूरी लाइन देखिए, उसके बाद मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो, कैसे, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो। तो बहुत ही प्यारा अंदाज है, पहले इतना देखिए, मोहब्बत की राहों में, ठीक है। तो ये लाइन शुरू होगी रे से, मोहब्बत की राहों में, ठीक है, मोहब्बत की राहों में, कैसे, रे रे ग प म प म ग रे सनी, ठीक है, रे रे ग प म प म ग रे सनी, मोहब्बत की राहों में, इतना हो गया। उसके बाद आकर तो देखो,
आकर कैसे नि सा मगरेर आकर तो देखो, पूरी लाइन देखिए। मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो, तो लाइन जो है एकदम कनेक्ट है। मतलब जैसे ही हमने प्ले किया ना मोहब्बत की राहों में, फिर उसकी उसके साथ जस्ट जुड़ जाती है आकर तो देखो। तो ये वाला पार्ट जो है कंप्लीट हो गया हमारा। तो स्थाई वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अंतरे की तरफ जाते हैं। अंतरे की लाइन भी यही है, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। तो यही जो है अंतरे का पैटर्न है। लाइन सेम ही है, तुम्हें दिल लगी, बस सरगम चेंज हो जाएगी। तो कैसे है देखिए, फटाफट से सीखते हैं अंतरे वाले पार्ट को भी। बाकी के जितने अंतरे हैं वो भी इसी पैटर्न पर प्ले होंगे। तो ठीक है, इस तरीके से तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि सॉन्ग जो है बहुत ज्यादा आसान भी है। तो देखिए कैसे है। तो इस लाइन को भी उसी तरीके से सीखेंगे, दो पार्ट में। लाइन लंबी है तो इसलिए थोड़ा सा इजी करने के लिए इसको दो पार्ट में कर लेते हैं। पहले इतना देखिए, तुम्हें दिल लगी भूल, तुम्हें कैसे। जानी पड़ेगी, जानी पड़ेगी, कैसे सरगम। धनी धपधानी, धनी धपधानी, जानी पड़ेगी, धनी धप धनी। पूरी लाइन देखिए। कैसे। उसके बाद एक प्यारा सा पैटर्न, अगर आप उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब की कवाली ये वाली आपने सुनी होगी, तो उसमें इस तरीके से है, दिल लगी, इस तरीके से दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है दिल। इस तरीके से एक उनका बीच में गाने की बीच में एक वो गाते हैं बहुत ही प्यारी तरीके से, तो उसको भी सीख लेते हैं। तो आपको इस पर बस क्या करना है, आपको अगर आप ओरिजिनल वाले को सुनोगे इसी वाले पार्ट को करीब 5-10 बार, तो आपके दिमाग में क्या होगा, उसकी टोन सेट हो जाएगी, और जब आप हारमोनियम पर प्ले करोगे और जब गाओगे तो इतना खूबसूरत लगेगा। और ये पार्ट मेरा सबसे मतलब पूरे सॉन्ग, वैसे सॉन्ग बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा मतलब खूबसूरत है, लेकिन ये वाला पार्ट सबसे ज़्यादा खूबसूरत है और मुझे सबसे ज़्यादा पसंद भी है यही वाला पार्ट। दिल लगी इस तरीके से प्ले करने का हारमोनियम पर एक अलग ही मज़ा आता है। दिल
लगी भूल जानी पड़ेगी दिल लगे ये इश्क नहीं आसान बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है दिल लगी तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। तो बहुत प्यारा अंदाज है ये वाला, इसको भी सीख लेते हैं फटाफट से। तो देखिए कैसे है, पहले दिल लगी, तो इसमें आपको ऐसे कॉर्ड लेना है, या कहूँ तो इस तरीके से ले सकते हो अगर आप चाहो तो। ठीक है, दिल लगी, कैसे दिल लगी, दिल लगी, कैसे पदपमा दिल लगी। ठीक है, दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, भूले जानी पड़ेगी कैसे, दस से शुरुआत होगी, भूल जानी पड़ेगी भूल जानी पड़ेगी धनी रे नी धप भूल जानी पड़ेगी। धनी रे नी धप भूल जानी पड़ेगी दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। तो उसके बाद क्या है, आपको ये वाली लाइन तो हो गई, दिल लगी भूल जानी पड़े, तो ये वाला पार्ट हो गया। उसके बाद उसी में है, ये इश्क नहीं आसान बस इतना समझ लीजिए, तो उसको भी आप इसी तरीके से इसी अंदाज में गा सकते हैं, ये इश्क नहीं आसान इस तरीके से। ठीक है, जैसे हमने प्ले किया ना, दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, तो स्टार्टिंग का दिल लगी, तो उतना वाला पार्ट में हमें ये वाली लाइन भी हम गा लेंगे, उसमें ये वाली लाइन भी आएगी, ये इश्क नहीं आसान, ये इश्क नहीं आसान बस इतना समझ लीजिए। ठीक है, ये इश्क नहीं आसान बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। बहुत ही कमाल का अंदाज, और खान साहब जब इसको गाते हैं तो बहुत ही प्यारा लगता है। तो देखिए, इतना तो हो गया कि ये इश्क नहीं आसा, इतना तो समझ लीजिए, उसके बाद एक आग का दरिया है और डूब के जाना है, इजी है, बस दो ही नोट यूज हो रहे हैं, नी और सा। एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। ठीक है, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद अगर आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, सापर खत्म किया उसके बाद दिल लगी, इस तरीके से भी कर सकते हो, मतलब नी और सा को, नी और ध को मिलाकर पपर आ सकते हो, या डायरेक्ट सा से पपर भी आ सकते हो। दिल लगी भूल जाने इस तरीके से। तो ये वाला जो पैटर्न है ना, इसको क्या है कि ये मतलब नोट्स जो मैंने बताए वही लगेंगे, वही यूज होंगे, बस ये है कि आप इस पर कलाकारी अपनी कितनी दिखा सकते हो, आप कितना अच्छा गाते हो इस पर। जैसे कि मेरी आवाज़ तो उतनी अच्छी है नहीं, मतलब थोड़ा बहुत मिल जाती है हारमोनियम से, बट एक जो मतलब गाते हैं लोग, और दूसरी चीज़ क्या है कि आप इसको किस तरीके से प्ले कर रहे हो। ठीक है, कितना पहले स्टार्टिंग में हो सकता है थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन इस पार्ट को अगर आप थोड़ा अच्छे से कवर करोगे तो इस पर थोड़ा खींचोगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा सुनने में। तो बस अभी हमारी लाइन जो है अंतरे में है, तो उसके बाद जैसे
दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, उसके बाद फिर से तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, ये लाइन है, ये हम सीख चुके हैं पहले ही ऑलरेडी। उसके बाद मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो, तो ये लाइन कैसे है देखिए, ठीक है, पहले इतना मोहब्बत की राहों में, तो लाइन शुरू होगी म से, मोहब्बत की राहों में, ठीक है, मोहब्बत की राहों में, मम पद पद पमग, ठीक है, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो, आकर तो देखो, कैसे आकर तो देखो गप मगरे रे, आकर तो देखो मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो, ठीक है। तो बस अभी फिर उसके बाद वही आकर तो देखो, वही वाला पैटर्न हमारा रिपीट होता है, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, बाकी जितने भी अंतर हैं, जितने भी आगे की सॉन्ग में लाइन है, जितना भी पैटर्न है, वो सब इसी नोटेशन पर, इसी सरगम पर जो मैंने पैटर्न बताया उसी पर रिपीट होता जाता है। तो इसके अलावा हमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं सीखना है सॉन्ग में, बस फिलहाल आज की कोशिश इतनी ही थी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।